टावर वाला स्टट फार्म पे, और मेरे साथ है एजाद टावर वाला एंड वी हैव अयान टावर वाला। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। ऊंचा बोलिए। वालेकुम सलाम। ठीक है, अब बताइए कौन सी घोड़ी बता रहे हो अभी? ये हमारे पास धन्नो है। धन्नो घोड़ी है, और धन्नो काफ़ी उम्र दराज घोड़ी है, राइट? बहुत, इसकी एज करीबन 28 ईयर्स के करीब होगी। इसकी एज 28 ईयर्स की है। घोड़ों की नॉर्मल लाइफ स्पैन कितनी होती है? वो आपके रखने करने पर ये होता है, ऐसे तो कुछ होता है नहीं है घोड़ों को, ये 28 ईयर्स के। लेकिन इसके पाँव देखो, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लो, अभी तक इसको कुछ हुआ नहीं है। तो वो अपने ऊपर रखने के ऊपर होता है। तो मैंने सुना ये 1990 में आपने लिया था? यस, 1990 में लिया था। तो 1992 में लिया था, तब दो साल की ली थी इसको। तो कितना समय हो गया? 31 हो गया ना, 31 ईयर्स की, 31st ईयर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन हम लोग 2080 बोलते हैं अभी तक। 2080 बोलते हैं। आपके पास 28 साल से है, लेकिन है ये 30-31 ईयर्स की है। तो क्या चेंजेस आती है घोड़ी जब बूढ़ी होती है, तो क्या चेंजेस आती है? चेंजेस तो उसकी कुछ होते नहीं है, बाल ज़्यादा आने लगते हैं उसके ऊपर, उसकी बॉडी पे, और फिर उसका मतलब थोड़ा ऐसे बाल वाल जो उसके कलर में ये होते हैं वो बदलने लगता है, धीरे धीरे कलर बदलती है घोड़ी। फिर तो उसमें उसके ये जो दांत बात से पता चल जाता है कि वो थोड़ी उसकी उम्र ज़्यादा है। अच्छा, दांत से तुम पता लगा। और इसकी आँखें क्या ब्लू है क्या? इसकी आँखें वाइट है, जयमंगल बोलते हैं हम इसको। नूरानी आँख की? नूरानी आँख बोलते हैं। नूरानी आँख यानी वही जयमंगल? जयमंगल, हाँ। जयमंगल यानी दोनों आँख सफेद, एक आँख सफेद एक वो है, तो टाकी बोलते हैं, वो टाकी बोलते हैं, इसको जयमंगल बोलेंगे। ये है अबलक, ये लाल अबलक है? नहीं, ब्लैक अबलक है। ये ब्लैक कलर है? हाँ। अरे धूप में ऐसा दिख रहा है, चमक के धूप में थोड़ा ब्राउनिश शेड आया। क्या हाइट है इसकी? इसकी हाइट होगी 60। 60 हाइट है। और ये जब आपने 30 ईयर्स पहले लिया था, 28 साल पहले, उस टाइम पे क्या रेट था, कुछ पता है? आपके डैड ने कुछ बोला आपको? रेट तो तब भी इसके लाखों रुपए लग रहे थे, लेकिन पापा ने कभी दी नहीं घोड़ी। नहीं नहीं, आपने कितने में लिया था? आपने तो लिया कितने में था? वो तो पापा ने बोले नहीं कितने में। तब 75,000 में ली थी, बच्ची थी तब। नहीं, 1992 में 75,000 की, इतना महंगा? तो क्या खास बात थी इसमें, कोई चैंपियन वैम्पियन थी क्या? जाट नस्ल, ये अभी नस्ल मिलती नहीं है ज़्यादा, ये अच्छा, प्योर सिंधी नस्ल की घोड़ी है। ये प्योर सिंधी है? प्योर सिंधी। अभी तो लोग बोल रहे हैं भाई सिंधी मारवाड़ी क्रॉस है, आके बोल जाए तो उसको घोड़ी छोड़ के। तो कैसे पता चलेगा प्योर सिंधी है? कैसे पता चलेगा? इसका जो कपाल है, ये कपाल के इसके हिसाब से, इसके ये जो नाक का पोर्शन है उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि आपको ये सिंधी है, ये प्योर सिंधी है। यस, प्योर सिंधी। इसने एक बच्चा भी निकाली है ना, तो है अपने फार्म पे रखा हुआ? नहीं, इसका बच्चा अभी कोई है नहीं, बच्ची थी लेकिन वो छूट गई थी, 4-5 दिन की थी, तो उसको लूज मोशन लग गया। अच्छा, क्या एज की हो जाएगी घोड़ी तो फिर राइड नहीं करना चाहिए? वो तो अपने ऊपर है, तुम जैसे रखते हो। तो इसको कितने साल तक आप राइड कर रहे थे? लास्ट 6-7 महीने पहले निकाली थी उसको, बस उसके बाद से उसके बाद राइड नहीं है। और कौन सी एज में ब्रीडिंग बंद कर डालती है ये? बच्चे देना तो बस अभी लास्ट में एक बच्चा दिया था वही, उसके कौन बाद से साल पहले, कितने साल पहले? एक साल पहले। हाँ, पिछले साल ही। तो 29 साल की उम्र में भी इसने बच्चा दिया है? हाँ, बच्ची दी। माशाल्लाह, बिल्कुल इसकी तरह ही थी, यही कलर की बच्ची थी। नाम क्या है इसका? इसका नाम धन्नो है। धन्नो नाम रखे, माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। और वेरी ब्यूटीफुल है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, दांत बता रही है बहुत एटीट्यूड। तो ये अच्छा चाल में, जब अपनी जवानी में ये चाल में कैसी थी, रवाल चाल वगैरह बहुत चलती थी ये? उस टाइम पे कोई घोड़ा नहीं लग सकता था इसको। अच्छा, जब ये जवान थी तब कोई रेस वेस जीती है? नहीं, रेस वेस। अच्छा, जो रेसेस होती है तो इसमें घोड़ा घोड़ी किसी को भी ले सकते हैं ना, कोई भी दौड़ सकता है? खाली घोड़ों की होती है? घोड़ा घोड़ी कोई भी दौड़ सकता है। कौन ज्यादा तेज रहता है दौड़ने में, आपके एक्सपीरियंस से क्या बेटर है? मेरे हिसाब से तो घोड़ी भी अभी कोई एक दो घोड़ी ऐसी है जो घोड़े की भी आबरू ले लेती है। आबरू ले लेती, मतलब नाक आबरू यानी इज्जत। अच्छा, वो इज्जत काट देती, नाक काट देती, वो चलना उसका रुबाब, उसका चलना ऐसा होता है। अच्छा, अपने पास सी कोई अच्छी वाली? यही है, जब इसकी जवानी में चलती थी तो अच्छे अच्छे घोड़ों को इसने पानी पिला दिया। तो अभी कोई ऐसी शो स्टॉपर घोड़ी है अपने पास? एक ही है? नहीं, अभी तो यही है, और एक अंदर प्रेग्नेंट घोड़ी है अपने। हाँ, पास हाँ, वो काली वाली, प्योर सिंधी है, काली वाली। नहीं, वो ब्राउन कलर है, बोर कलर बोलते हैं। अच्छा, ये बेचने का इरादा है आपका? नहीं ना, तो इसको सिर्फ पालने का लग गए पहले से ही। थोड़ा चलाओगे? चला के बताओ जरा।
इजाद थोड़ी उम्र हो गई तो इसकी डाइट वाइट चेंज किया आपने क्या? वही जो नॉर्मल घोड़े खाते हैं वही जो डाइट देते वही नॉर्मल। क्या है आपकी डाइट, क्या है आपकी यानी घोड़े की डाइट क्या? गांव की भूसी, गौ की भूसी। हाँ, ठंडी में बाजरी देते हैं, अभी ठंड के हिसाब से थोड़ी बाजरी देते हैं। ओके। और अड़द चुनी देते हैं, ऐसे चना चुनी देते हैं। हाँ हाँ। और उसमें गेहूँ डालते, गेहूँ के पीसे हुए टुकड़े डालते हैं। ओके। और गेहूँ भूसा डालते हैं। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो ये है धोनो नॉट फॉर सेल। लेकिन जिस किसी को भी यहाँ पर विजिट करना है नसवाड़ी में तो इजाद को कॉन्टेक्ट कीजिए। इजाद आपका नंबर क्या है? बस बस एजाज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी धन्नो टावर वाला गोट फार्म की, अब स्टड फार्म की बकरे भी है तो मुंह से गोट फार्म निकल रहा है। देयर वर लॉट ऑफ गोट्स एज वेल, विल शो दैट एज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।